साल 2022 खत्म होने वाला है और साल 2023 यानी नए साल का आगाज होने वाला है। ऐसे में आरबीआई ने सभी सरकारी और निजी बैंकों के लिए कुछ बदलाव किए हैं और साथ ही कुछ नए नियम लागू करने की सूचना सभी बैंकों के साथ साझा की है। आरबीआई के संशोधित अधिसूचना के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद बैंकों की मनमानी पर लगाम लगेगा और साथ ही कस्टमर को नुकसान की स्थिति में बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकेगा। अब क्या है वो बैंकों के नए बदलाव जो नए साल में लागू होने वाले हैं? आइए जानते हैं। आरबीआई द्वारा किया गया पहला बदलाव लॉकर ग्राहकों के लिए है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2023 से मौजूद लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू किया जाएगा। ऐसे में बैंक लॉकर ग्राहकों को सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने नए एग्रीमेंट पर साइन किया हो। नए लॉकर एग्रीमेंट पॉलिसी के अनुसार किसी ग्राहक को लॉकर असाइन करते समय बैंक उस ग्राहक के साथ एग्रीमेंट करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है। कानूनी मोहर लगे कागज पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसकी एक कॉपी ग्राहक के पास और दूसरी ओरिजिनल कॉपी बैंक के पास रहेगी। दूसरा नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर के किसी सामान का कोई नुकसान होता है तो बैंक को ग्राहक को इसकी भरपाई करनी होगी। आरबीआई की नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वह अपने यहाँ सुरक्षा को देखते हुए सभी कदम उठाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये सुनिश्चित करना बैंकों की जिम्मेदारी है कि बैंक में किसी कमी या लापरवाही की वजह से आग, चोरी, डकैती जैसे मामले नहीं हों। लेकिन वहीं अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि से लॉकर को सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक की उसके लिए भरपाई करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अलावा संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक ग्राहक की खुद की गलती या लापरवाही से भी अगर नुकसान होता है तो बैंक ग्राहकों को कोई पैसा नहीं देगा। दूसरी तरफ बैंकों को ऐसा आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए लॉकर सिस्टम से जुड़े कुछ सावधानी के कदम उठाने होंगे। नए साल के पहले दिन क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बड़ा बदलाव होगा। HDFC संघ सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड्स पॉइंट्स और फीस स्ट्रक्चर में बदलाव करेगा। बैंक थर्ड पार्टी मर्चेंट के जरिए लगने वाले रेट के भुगतान पर फीस में बदलाव होगा। नए साल से बैंकों में इस तरह से पेमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन के कुल अमाउंट पर 1% चार्ज लगेगा। अलग अलग कार्ड के लिए रिवार्ड सिस्टम अलग अलग होंगे। अगर बात करें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तो किराए के भुगतान पर आपको किसी भी प्रकार का रिवार्ड पॉइंट नहीं प्राप्त होगा और किराए की 1 जनवरी से पेमेंट करने पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना होगा। और आखिरी बदलाव है कि कोई भी लॉकर को एक्सेस किए जाने की स्थिति में दिन खत्म होने से पहले बैंकों को ग्राहक के रजिस्टर मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर उसकी तारीख, समय और कुछ जरूरी कदम की जानकारी भी दी जाएगी। इस बदलाव की जानकारी भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत देश के अन्य बैंकों ने भी अपने कस्टमर्स को रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए साझा करनी शुरू कर दी है और 1 जनवरी 2023 से ये नियमों का पालन सभी बैंकों और ग्राहकों को करना होगा। इसलिए आप भी अगर इन सभी जानकारी से अपडेट हैं तो जल्द ही बैंकों के काम को निपटा लें ताकि नए साल में कोई नई समस्या ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।